जो बोलेगा वो करेगा। देवास जिले के अंतिम छोर पर खातेगांव नेमावर पुलिस ने एक बड़ी वारदात होने से पहले देवास जिले के पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बड़ी गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की। 12 जुलाई की रात्रि को लगभग 9 बजे के करीब नेमावर थाना प्रभारी अविनाश सिंह सिंगर को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि निर्माणाधीन विश्वकर्मा मंदिर के पीछे संदलपुर नेमावर रोड के पास 7-8 बदमाश हथियारों से लैस होकर बैंक में डकैती डालने की योजना की तैयारी में है। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी के मार्गदर्शन और अतिरिक्त अधीक्षक जगदीश सिंह डावर SDOP निर्भय सिंह अलावा के नेतृत्व में तुरंत फोर्स को एकत्रित कर 4 टीमें गठित की गई। बनाई चारों टीम ने मौके पर मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर कुछ दूरी पर रुककर आरोपियों की बातचीत को सुना तो आपस में बात कर रहे थे आज नेमावर में बैंक ऑफ इंडिया के ताले तोड़कर डकैती डालना है, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने प्रदीप उर्फ कालू पिता भागीरथ जाटव, लाला पिता देवेंद्र जाटव, इकबाल पिता अहमद नूर, अकरम पिता अख्तर, यूसुफ पिता हबीब खान, इमरान को धर दबोचा, जिसके पास से हथियार एक देसी कट्टा, मैं जिंदा कारतूस और गृह भेदन की सामग्री टामी, पेचकस, प्लास, तलवार, कुल्हाड़ी, हाकी, बेसबॉल मिला है। खातेगांव सादिक खान की रिपोर्ट। हैं जो बड़े बड़े धार्मिक राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, सामाजिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भीड़ भाड़ में घुस के और जेब कटी, चेन स्नैचिंग, इस तरह की घटनाएं करते हैं और ये इस तरह की घटना करने के लिए भी प्लानिंग कर रहे थे कि आज हम कोई बड़ी वारदात को अगर हम लोग नहीं पकड़ते तो अवश्य वो कोई बड़ी घटना करते। और आगे कल से वहां पर नेहावर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का एक चातुर्मास प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कल उसका प्रारंभ है पंचकल्याण समारोह के रूप में, कल स्थापना होगी। तो इस तरह के कार्यक्रमों में भी ये घटना करके और आमजन में अशांति